मेरे को ये सवाल था कि जौहर किस कंडीशन में करते थे जब उनको लगता था कि मरना निश्चित है तभी। जो आपने मूवी भी देखी होगी पद्मावत मूवी थी, उस पर बहुत कॉन्ट्रोवर्सी। तो मैं अभी भैया से गाइड जो भैया है उनसे बात कर रहा था, वो मुझे स्टोरी बता रहे थे कि रियली में क्या हुआ था। हिस्ट्री ऐसी है कि सुन के ना आपको गूज बम्स आएंगे, है ना यू फील। Guys, welcome back to the channel and welcome to the beautiful state of Rajasthan. Rajasthan na India ki sabse badi state hai. Sabse jo rich history hai wo Rajasthan ki hai, aur Rajasthan ke aur pure Hindustan ke bade bade legend aur heroes Maharana Pratap, Rani Padmini wo hai चित्तौड़गढ़ से। और अभी हम लोग जा रहे हैं चित्तौड़गढ़। कल हम लोग थे रणथंभौर में, वहाँ पे हम लोगों ने टाइगर सफारी देखी थी, काफ़ी एडवेंचरस थी। हमें टाइगर भी दिखा वहाँ पे। वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना। तो अभी यहाँ से हम लोग समवेयर मिडवे पॉइंट पे हैं अभी रणथंभौर से चित्तौड़गढ़ की तरफ, और यहाँ से 2-2.5 घंटे और लगने चाहिए। चले जी, हो गई टांगे सीधी। तुमको नींद थके नहीं? तुमको सो जाओ थोड़ी देर के लिए। सुबह 5 बजे उठो, सो जाओ। सब लोग सोए हैं, बच्चे नहीं सोए बिल्कुल। पापा भी नहीं सोए। हम तीन सोए हैं बस। मैं तो नहीं सोई। आप नहीं सोए? क्या बात कर, ऐसे गर्दन पूरी लटकी हुई थी आपकी, नहीं सोए। फाइनली जो आगरा से पैठा लिया था वो अब खुल रहा है जाके 2 दिन के बाद। कैसी लग रहा है? आइसक्रीम खा रहे हैं, है ना? यहाँ से दिखना चालू हो गया है चित्तौड़गढ़ का किला, ऊपर नजर आ रहा है देखो। और हम लोग पहुंच गए यहाँ पे चित्तौड़गढ़ फोर्ट में, और हम लोगों ने गाइड कर लिया था और गाइड हमें घुमा रहा है। और सबसे पहले हम इस स्टॉप पर आए हैं। कृष्ण जी को बोलते हैं श्याम, और कुंभा ने रिनोवेशन करवाया तो कुंभ श्याम के नाम से, क्योंकि कहा जाता है कि मीराबाई जब यहाँ से गए थे, क्योंकि उनको कई बार मारने का प्रयास कहते हैं, तो ये भी मान्यता है कि मीराबाई ने उस समय श्राप दिया था कि ये फोर्ट कभी, इस फोर्ट के ऊपर कभी सुख शांति नहीं रहेगी। आप बता रहे थे महाराणा प्रताप कभी आए नहीं यहाँ पे, लेकिन महाराणा प्रताप यहाँ पर नहीं आए थे। महाराणा प्रताप ने तो वहीं से, जो गोगुंदा गांव आता है वहीं से वो सौगंध लेते हैं कि जब तक मैं मेवाड़ को पूरी तरह आज़ाद नहीं करा देता तब तक जंगलों के अंदर हूँ और घास फूस की रोटी से काम चलूंगा। ठीक, तो आपने मीराबाई की भी स्टोरी सुनी होगी, तो मीराबाई का पीछे मंदिर है यहाँ पे। ये जिस मंदिर में अभी हम होकर आए हैं सबसे बड़ा मंदिर था और वेरी सिग्निफिकेंट। ये विक्ट्री टावर है। विक्ट्री टावर का निर्माण 1448 में 1448 में राणा कुंभा ने करवाया था। वहाँ की एमपी की सेना और अहमद शाह की सेना दोनों ही राज्य एक होकर फिर यहाँ पर अटैक करते हैं, जिसमें दोनों राज्यों की सेना को पराजित किया था उन्होंने, राणा कुंभा ने एक साथ। तो इसी तरह से क्या, वो जब विजय प्राप्त हुई थी तो उसकी विजय की खुशी में इसका निर्माण हुआ था, इसलिए इसको नाम दिया गया था विजय स्तंभ। जोहर यहीं हुआ था क्या? हाँ, जोहर यहीं पर हुआ था। कितने उस जोहर किया था, मतलब ये बताऊंगा मैं कंपनी के साथ। अब जैसे यहाँ पर क्या है, आप सिर्फ एक जोहर की सुना होगा आपने, लेकिन यहाँ पर 3 बार जोर हुआ था।
अच्छा सबसे पहला जोर होता 1303 में अलाउद्दीन खिलजी जब अटैक करता है तो रानी पद्मिनी 16,000 लेडीज के साथ यहाँ पर आकर 16,000 लेडीज के साथ यहाँ पर आकर जोर करती है। सेकंड जोर होता है राजमाता कर्णावती जिन्होंने दिल्ली के शासक कुमायूं को राखी भेजी थी अपनी मदद के लिए, लेकिन समय पर मदद नहीं मिल पाई थी तो वो 13,000 औरतों के साथ आकर जोर करती है 1535 में जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने इस किले को अटैक किया था तो 13,000 औरतों ने सेकंड जोर किया था। तीसरा जोर हुआ था महाराणा प्रताप के टाइम में। मेरे को ये सवाल था कि जौहर किस कंडीशन में करते थे जब उनको लगता था कि मरना निश्चित है तभी इज्जत खतरे में। ऐसा है कि अगर वो इस चीज में जौहर करते थे लेडीज जो उनके दिमाग में ये चलता था कि अगर हम जैसे यहाँ पर रहेंगे फोर्ट के अंदर और राजा जब युद्ध करने जाएगा तो उनके दिमाग में एक चिंता सताएगी कि मेरे बाद अगर मैं मारा गया युद्ध में तो मेरे वाइफ का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, तो अपने उस चिंता में वो युद्ध नहीं कर पाएगा। हाँ। वो युद्ध नहीं कर पाएगा। हाँ। वो अगर चिंता सताएगी अगर हल्का सा घाव भी लगता है तो मैं मारा जाऊंगा, वो एक तरह से टेंशन आ जाती थी। दूसरा भी तो था ना कि मुगल जो है और आगे ले जाते थे वो चीज भी है तो वो वही तो है ना रीजन, तो उसमें सारा गया क्योंकि वो चिंता ही इसी चीज की सताई हमारे पत्नी को उठा के ले जाएंगे या मेरे बच्चों को मार देंगे या वगैरह जो चीजें हैं कि भाई मैं मारा गया। लास्ट जोहर बच्चों के साथ ही हुआ था, जन जोहर कहा जाता है इसे जोहर, क्योंकि वो क्या करते थे जैसे कुछ जो रानियां वगैरह होती थी वो उनके साथ बच्चों समेत वो उनको क्या जबरदस्ती पकड़ के ले जाते थे मुगल ऐसे जहाँ भी अगर वो क्या लूटपाट मचाते थे वहाँ की औरतों को भी उठा कर ले जाते थे। तो मेवाड़ ऐसा रहा है कि यहाँ की औरतें एक भी मुगलों के साथ नहीं गई। महाराणा प्रताप का भी एक उदाहरण है, उनके सामने मुस्लिम महिला लेकर के आए थे तो उन्होंने महाराणा प्रताप ने उनको वापस छोड़ा शिवाजी के साथ और सम्मानपूर्वक। अकबर यहाँ के सामंतों के साथ महाराणा प्रताप के बार कई बार संदेश भेजता है कि सिर्फ महाराणा प्रताप को मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे गुलाम बने, मैं सिर्फ एक बार ये इतना चाहता हूँ कि मेरी बराबर आके बैठ जाए, सिर्फ मेरे सामने मेरे बराबर आकर बैठना है, मैं उनको नीचे नहीं बैठाऊंगा या नीचे आगे की साइड में उनके सामंतों के साथ नहीं बैठूंगा, मैं इस बराबर गद्दी पर बैठाऊंगा। लेकिन उसके लिए भी महाराणा प्रताप वो मना कर देते हैं। हिस्ट्री ऐसी है कि सुन के ना आपको गूज बम्स आएंगे अगर सुनेंगे तो मैं क्या बता रहा हूँ वो खुद अगर अंदर से मतलब है ना वो सोचकर मतलब एक अलग सी फीलिंग होती है, अलग फीलिंग है। क्या हुआ होगा मतलब अगर आप अपने आप को उस टाइम पे रखोगे तो आपको आप सोचोगे कि इतना डिफिकल्ट होगा उनके लिए उस टाइम जितना भी कि वो एग्जैक्ट जगह है जहाँ पे रानी पद्मिनी ने जौहर किया था और उसके बाद दो और जौहर हुए थे। पहले पद्मिनी का जो मूवी था उसके ऊपर भी विरोध हुआ क्योंकि उसमें जो हिस्ट्री था पूरा गलत दिखाया गया था। हिस्ट्री गलत है। 400 साल पहले मलिक मोहम्मद जायसी जो मुगलों का लेखक हुआ करता था उसने ये पद्मावत ग्रंथ लिखा था, वो 1303 में तो था नहीं। हाँ। उसने सिर्फ एक सोच के आधार पर लिखा था। यहाँ पर जो बताया गया था कि आईने के अंदर रिफ्लेक्शन दिखाया गया था लेकिन उस समय आईना ही नहीं था तो आईना कहाँ से आया, फेस दिखाई नहीं गया था, दिखाया ही नहीं गया था। क्योंकि ऐसा होता है कि राजपूत लेडीज को हमेशा पर्दों में रखा जाता था तो फेस कहाँ से दिखाएंगे। एक तरह से वो आत्महत्या के रूप में दिखाया गया था कि जैसे राजा की मृत्यु हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर दौड़ते हुए आ रहा है और रानिया जोर कर रही है। ठीक है, राजा की मृत्यु होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी अंदर घुस गया है और फिर रानिया जोर कर रही है, जबकि ये शाखा होती थी। शाखा में क्या होता है कि जैसे इसमें रानिया पहले जोर करती थी फिर राजा महाराजा केसरिया बांधकर फिर युद्ध के मैदान में युद्ध करने जाते थे। मूवी में कमर्शियलाइज करने की वजह से उसमें हिस्ट्री को चेंज कर दिया, तो हिस्ट्री को ही चेंज कर दिया। तो ये चीजें क्या गलत होती है, हमारे यहाँ पर उनको देवी का रूप मानते हैं और उसी चीज देवी का गलत दिखाया, तो वो उस वजह से विरोध हुआ था, उस वजह से विरोध हुआ। और सेकंड उनका पहनावा जो गलत दिखाया गया था, सभा के अंदर डांस कर दिया, राजपूत लेडीज हमेशा पर्दों में होती थी तो डांस कहाँ से करेगी, वो सभा के अंदर डांस करते हुए दिखा दिया गया, वो भी गलत था। तो मतलब जो जो राजपूत लोग हैं या राजस्थान के जो लोग हैं उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई उससे जी, क्योंकि देवी की तरह मानते हैं जी। जो आपने मूवी भी देखी होगी पद्मावत मूवी थी उसमें बहुत कंट्रोवर्सी, तो मैं अभी भैया से गाइड जो भैया है उनसे बात कर रहा था, वो मुझे स्टोरी बता रहे थे कि रियली में क्या हुआ था और मूवी में उनके हिसाब से क्या क्या चीज़ें गलत थी। मैंने एक्चुअली मूवी देखी नहीं है और अभी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है गाइड से। तो हमारे को कैसा होता है स्टोरी जो होती है कभी स्कूल में पढ़ी तो आधी अधूरी याद होती है, जब ऐसी जगह पे आते हो तो आपकी हिस्ट्री रिफ्रेश हो जाती है और आपको रियल नॉलेज उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अगर आपको हिस्ट्री समझनी हो और कैसे यू नो रानी पद्मिनी ने जौहर किया। इस टाइम क्या ज़बरदस्त लाइटिंग आ रही है, बिल्कुल सनसेट होने वाला है, गोल्डन आवर बोलते हैं जिसको, ब्यूटीफुल लग रहा है पूरा ये फोर्ट इस टाइम। मुगल शासन जो होता था कुछ नहीं है बेटा,
देख दे, सब लोग देख रहे हैं, देखो फिर गंदी बात कर रहे हो, सब लोग देख रहे हैं। ये ले इसलिए बोल रहा था मैं इसको साइड में रखूं, जब वो खोल फाड़ देगा ना उसको दिखेगा इसमें कुछ है ही नहीं। वो इसीलिए यहीं बैठा है कि अगर कुछ नहीं है, ऐसा है अभी उसको यकीन नहीं हुआ कि इसमें कुछ खाने का है या नहीं है। नहीं है, नहीं है, छोड़ दे। हाँ कम वापिस दे दो बेटा। बेटा वो पॉटी साफ करने का कागज है बेटा वो। राणा मोकल जब इसका रिनोवेशन करवाते हैं तो एकमात्र मंदिर ऐसा था कि यहाँ पर पहले मूर्ति बनाया गया था, फिर बाहर से मंदिर का काम हुआ था। सो ये जो मंदिर अभी हमने देखा, ये लगभग 1000 साल पुराना मंदिर है। नॉर्मली मंदिर में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मूर्तियाँ एक साथ नहीं होती, लेकिन इस मंदिर में थी। यहाँ पर आगे नीचे की साइड जो टेंपल देख रहे हैं जो पानी के अंदर डूबा हुआ है, वहाँ पर आगे की साइड मंदिर है भगवान शिव जी का। दो गाय के मुंह लगे हुए हैं दीवार के ऊपर, 24 आवर्स वो पानी गिरता रहता है। वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया लेकिन आज भी कोई पता नहीं लगा भाई वो पानी कहाँ से आता है। पानी गिरता रहता है, पानी रेगुलर गिरता रहता है। 13 किलोमीटर लंबी बोले। हाँ ये वाली जो 13 किलोमीटर की पूरी राउंड में बनी हुई फोर्ट के ऊपर, मेरे ख्याल से कुंभलगढ़ वाली सबसे लंबी है ना। सबसे लंबी आती है चीन की, सेकंड नंबर पर आती है कुंभलगढ़ और तीसरे नंबर पर आती है इसकी चित्तौड़गढ़ फोर्ट। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा फोर्ट है वो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है। पर सनसेट जस्ट होने वाला है यहाँ से, फिर हम लोग जाएंगे लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए। अच्छा मैं भैया ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, अपना नंबर बता दो भैया। 800-579-6719। ठीक, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आप इनको कॉल कर लेना, आपको बहुत अच्छे से चित्तौड़गढ़ किले का टूर दे देंगे। तो देख बार बार तेरे साथ प्ले करने आता है, तेरे जैसा ही है। तू भी ऐसे कर जैसे वो कर रहा, तू भी ऐसे कर दे। जा देख वो भी ऐसे कर रहा, देख जा जा कर कर कर। कैसे होता ना, मुझे ऐसा लगता है किसी भी ऐसी जगह पर जाओ ना, हिस्टोरिकल जगह, मॉन्यूमेंट हो, महल हो, वो सनसेट के टाइम पे ना सबसे ब्यूटीफुल लगते हैं। हम उधर भी गए थे, जैसे अबू धाबी भी गए थे, वहाँ भी सनसेट के टाइम पे सुपर ब्यूटीफुल, यहाँ भी सनसेट के टाइम पे अमेजिंग। स्पेशल जो लोकल आर्ट बनता था महारानी पद्मिनी के नाम पर। अच्छा ये उन्हीं उसी टाइम का ही है, उसी टाइम से जो बनता है उस टाइम में जो बनाया जाता था वो वापस यहाँ पर देखने को मिलता है अपने को। आज भी उनको रोजगार दिया हुआ रॉयल फैमिली की तरफ से। अच्छा जैसे मैंने गाय बताया था ना, वैसे अपने को यहाँ पर खाटी ग्राम की तरफ से गाइड होता है। आ जाओ दादा यार, जगह तो है। तो यहाँ पे एक शॉप थी जहाँ पे जो राजस्थान के जो आदिवासी हैं वो अपने हाथ से जो चीज़ें बनाते हैं। तो साक्षी ने एक साड़ी ली और मैंने एक चप्पल लिया यहाँ से। अभी अंधेरा है बिल्कुल, हम लोग यहाँ पे आए हैं लाइट एंड साउंड शो होता है बिल्डिंग के ऊपर प्रोजेक्ट करके। सो अभी बस वो शुरू होने ही वाला है। ऊंचा ऊंचा मंगेरा ऊपर ऊंचा गढ़ची तो पुराने जमाने के उन्हीं कवियों और चारणों का वंशज हूं मैं। राणा सांगा की सेना ने बाबर की फौज पर हमला कर दिया। सो हम लोग चित्तौड़गढ़ का किला और वहां पे एक लाइट एंड साउंड शो देके वापस आ गए। दोनों बहुत ही अच्छे थे। इंडिया की और खासकर राजस्थान की जो ग्लोरियस हिस्ट्री है उसके बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो डेफिनेटली जाना। और अब आ गए अपने होटल में,
अच्छा लगा अभी तक कि जब जितने भी होटल्स में रुके उसमें अच्छा लगा, थोड़ा रूम छोटा है बट द बेस्ट फीचर ऑफ दिस रूम, हमने दो रूम लिए, लुक दो दो रूम साइड बाई साइड है और बीच वाला डोर हमने खुलवा लिया यहाँ पे, तो हमारा एक बड़ा जो है स्वीट बन गया। इस वन रूम हियर, द अदर रूम इज हियर एंड देयर इज वन मोर थिंग, इस रूम के साथ टॉप फ्लोर पे है होटल में एंड लुक एट दिस, देयर इज अ बालकनी। अभी मैं वैसे रात को व्यू तो नहीं दिखा पाऊंगा और बालकनी के जस्ट सामने चित्तौड़गढ़ का व्यू है और यहाँ पे रिवर भी है। सुबह मैं दिखाऊंगा तो अगली वीडियो में जब हमारी स्टार्ट होगी हम आगे के लिए निकलेंगे तो मैं आपको सुबह दिखाऊंगा, बट अभी तक के लिए रूम बहुत बढ़िया लगा। ये जो चित्तौड़गढ़ में ऊपर मंदिर वगैरह कुछ था ना, ये वहाँ वो लग रहा है, ये ऊपर सुबह दिखेगा यहाँ से। तो ये इनका रेस्टोरेंट है यहाँ पे, रेस्टोरेंट एंड बार, बहुत अच्छा लगा मेरे को यार, ये ऊपर पूरा रूफ टॉप के ऊपर बना रखा है रेस्टोरेंट। आज हम डिनर यहीं पे कर रहे हैं, पानी पीजा नहीं कहते, पीजा 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 पहले इसको पीजा। अच्छा ये मार्गरीटा पिज्जा है या मार्गरीटा तो ड्रिंक, अरे इसको इसको बहुत पता है यार, कह रहा मार्गरीटा पिज्जा ये तो ड्रिंक भी होती है। हाँ जी क्या क्या है मुझे बताओ सर, क्या क्या? पापड़ की सब्जी, पापड़ की सब्जी, दोनों राजस्थानी डिश है प्रॉपर, ये पापड़ की सब्जी, ये गट्टे की सब्जी। क्या तो गट्टे की खाऊंगा, मेरे को तो ये खानी ही थी। देना जी गट्टे कहाँ है इसमें, वैसे तो ये मिक्स वेज ही है पर मिक्स वेज के साथ पापड़ अच्छा लगा टेस्ट। वैसे पापड़ की सब्जी हमने खाई हो जाएगी घर में, घर में खाई घर में बनाते हैं। ऑरेंज, ये ना ऑरेंज का ऊपर से ऐसे फूल बनाया हुआ है और पापा के हमें पाइनएप्पल से बनाया हुआ। हाँ पीना पुलाड़ा मेरा बहुत अच्छा लगा, कमाल है यार। अब और क्या चाहिए आपको खाने के बाद? बिल वैसे चेक नहीं किया, चेक तो कर ले, कर ले कर ले। भाई एक बार दिखाना, मैंने बिल चेक किया। चाबी कौन से रेस्टोरेंट में खाने के बाद में फ्री पान मिलता है यार? चाबी 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 भी पान चाहिए, चाबी मम्मी मेरे को भी पान चाहिए, जलेबी पान ऊपर से, अब चाबी।